अच्छा पहले सारे फैंस, पहले तीन फ्लोर के मीडिया जो वहां पे साइड पर है, जो लेफ्ट साइड पर है, सबको पहले हेलो बोल लो। थैंक यू गाइस, चेक चेक। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर मैन, मेरे को लग नहीं था इतने लोग आएंगे, बट थैंक यू सो मच, लव यू मैन, लव यू। यू नो आई लव बादशाह भाजी का क्या है ना, बड़े हम्बल रहते हैं, जब भी उनसे कोई सवाल करो ना वो बस ऐसे घूम फिर के बाहर निकल जाते हैं। तो आज ना हम लोग उनको थोड़े एक दो बाउंसर मारे, बाउंसर मारे आज, क्या मारेंगे ना, उसके बाद आप लोग वीडियो लेना। लेकिन साथ में ना एक और भी एक दो दो तीन नाम है यहाँ पे जिन्होंने गाना गाया है ना, मैं उसको भी स्टेज पर बुलाने वाला हूँ। शर्वी के लिए तालियां हो जाए, शर्वी कैन वी हैव योर स्टेज। कैन वी गेट अनदर माइक प्लीज। बेटा आप ना माइक मुझे दे दिया करो। या देयर वी गो। पहले ऐसे नहीं होता है, वीडियो बाद में आएगा। जो मेरे सारे बच्चे पीछे बैठे हैं, 1 2 3 तालियां फॉर शर्वी। आई लव योर स्टाइल, इट्स यू, योर आउटशाइनिंग बादशाह बाजी राइट नाउ विद द कलर्स, आई लव दैट। आई एम 5 feet ना, सो आई गॉट इट लाइक, बट इट्स अमेजिंग। इनकी जोड़ी जो है ना बहुत कमाल की है एज अ परफॉर्मर्स आल्सो। बादशाह बाजी, वन लाइन अबाउट शर्वी, जस्ट समथिंग दैट यू नो हर कोई जानना चाहता है इसके बारे में, जो शायद नहीं जानता है, एज एन अमेजिंग सिंगर एंड परफॉर्मर। I mean obviously देख के पहले हाइट की, बट ये she's got a very powerful voice, ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। और I think she's got one of the most powerful voices we have in India right now. Thank you. पता बादशाह बाजी को हम लोग कल रात को ऐसे बैठे हुए थे, पता नहीं कितने डीम आते हैं सिंगर्स के, इतने सारे लोग भेजते रहते हैं, हम लोग को बड़ी जलसी होती है कि वो एक सर्कल होता है उनके अंदर, आपके सर्कल के अंदर घुसे कैसे आप, बहुत सारे वही सिंगर्स को आप दोबारा चांस देते रहते हो। तो अगर यहाँ पे सिंगर है कोई जो अच्छा है, नहीं अपने आप जो समझते हो, नहीं जो एक्चुअली बाकी लोग भी समझते हैं आप अच्छे हो, है ना, कैसे कैसे बादशाह जी आपके सर्कल के अंदर घुसे कैसे सिंगिंग करने के लिए, वो कैसे कर पाते हैं? नहीं यार मैं खुद पकड़ लेता हूँ, मतलब मैं खुद, मेरा रेडार ऑन रहता है एंड आई रीच आउट टू पीपल खुद ही। So you keep your hand raised the whole time, हाँ रेडार आ जाएगा तुम्हारा, perfect. नहीं नहीं, हाँ देख। Okay, we brought another fantastic performer. आसाकुडा पता है? आसाकुडा, remember? Yeah, that fantastic actress has also danced here. Preeti Mukunda, I'm going to call you on stage right now. A big round of applause, ladies and gentlemen. These days, पहचान होती है. How viral it gets on Instagram, how viral it gets all over the world. She's actually a fantastic performer, fantastic actress, dancer. But when you come in here, you want to say hi to everybody. This is the first time they're probably saying hello to hi, you. Hi, everybody. Hello. A little louder, hi. Thank you. Because hi, every everybody. One of you would have actually danced to Asakuda and done that, right? So this is where it originated from. By the way, the love that you get from a viral song, Does it get overwhelming also? After a while, you say it's okay. Because everywhere you go, they'll say, first do that step for us. It is extremely overwhelming. Yeah. But it's even more gratifying than that. So yeah. I'm not complaining. It's amazing. I'm hoping you eclipse that with this performance here. I hope so too. Yeah. So we're going to see that. I'm going to show you the song also. But there's another person who's actually been very responsible making sure this track comes out. This gentleman here, the producer of the song, Bhasha Bhaji, loves him. They work together all the time. हिचकी आ रही थी बहुत ज्यादा, ऐसे डबल हिचकी हो रही थी, रात को 2 बजे, रात को 1:30 बजे ऐसे हिचकी आ रही थी आपको? बिल्कुल, मैं तभी सोच रहा था मेरी नींद क्यों नहीं आ रही, बिकॉज बादशाह बाजी इनके बारे में इतना बात कर रहे थे और यू नो ही इज एक्चुअली मेड ऑल द ट्रैक्स। तो आप ऐसे अपना परिचय बता दो, बिकॉज मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब म्यूजिक प्रोड्यूसर्स का नाम भी इतने बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, एंड बादशाह बाजी ट्रस्ट हिज म्यूजिकल लाइफ विद यू ऑल्सो। तो इतना बड़ा आपको देख के ऐसा लगता है जैसे आप अभी क्लास 7 से निकले हो सर। नहीं, मैं 29 हूं, बट दिस इज फैंटास्टिक, ऑफ कोर्स यू आर अ जीनियस, वी ऑल नो दैट, बट कैसे आपका म्यूजिक प्रोसेस कैसा होता है, हर बार कैसे 6? वैसे चलो वो तो बाहर 6 आता है, पर पीछे कितने सारे 1, 2, 1.5, 2 ये चल रहे होते, फिर जाके 6 निकलता है। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बट यार फॉर दिस 6 वी हैव हैड मेनी 1 and 0.5s आल्सो। बादशाह भाजी को इंप्रेस करना आसान है या मुश्किल है? ये बाकी सबके लिए भी है जो हाथ खड़े कर रहे थे, आसान है या मुश्किल है? नहीं वैसे तो मुश्किल है। मुश्किल है क्या? He is very selective कि नहीं मुझे ऐसी ही करनी है, ये मेरी विजन है। ओके, He is very selective, yeah. तो ये selective में गाना देखे क्या? गाना देखे? ओके लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज हैव अ सीट।
while we actually you can exit from that side as well. Yeah. And we'll bring this down. I'm going to show you the track twice. तो थोड़ा extended chat session हो जाएगा सबके साथ में. And can I have you all fall back on stage also? वापस आ जाओ हितेन, शर्वी, बाशपा जी, प्रीति, can we have you back on stage? Fantastic, great job done there. बाशपा जी, congratulations. तो सिंपल है, तुम लोग सब इंस्टाग्राम पर रहने वाले हो, हिट है? And I'll be very honest, मैं कभी झूठ नहीं बोलता on stage, and maybe that's the reason why I don't come too much on stage anymore. But I say basically मुझे groove line ना इसकी जो sound थी ओके कीप चेयर्स इफ यू वांट मेरे को जो इसकी जो बेस लाइन थी इसकी ग्रूव लाइन थी बहुत पसंद आई थी एंड दैट सॉर्ट ऑफ हिट मी ओवर हियर अच्छे स्पीकर्स के साथ ना बहुत मजा आता है आप छोटे कमरे में सुन रहे हो तो बहुत अलग फील आती है बड़े स्टेज में बड़ा अलग है वाज दैट द फर्स्ट थिंग दैट यू लाइक्ड अबाउट द सॉन्ग ऑल्सो और जो हितिन ने आपको सुना दिया था ये नो आई थिंक द हीरो ऑफ द सॉन्ग इज ऑफ कोर्स शार्वी हर वॉइस इज ब्रिलियंट तालियां जो हम मुझे याद है हम श्रीलंका में थे एक शो के लिए एंड वहाँ पे शार्वी ने ये गाना शुरू किया मैं कह यार ये गाना तो इसकी आवाज़ में बहुत ही सही लग रहा है और फिर देन इसने तूने क्लिक पे ही वोकल रिकॉर्ड किया था ना इसने वोकल रिकॉर्ड किए वॉइस नोट पे एंड देन आई सेंड दैट टू थैंक यू आई लव यू बादशाह बाजी अगर बैठ अभी हम लोग श्रीलंका में हैं वॉइस नोट आ चुका है आगे चलते हैं वहाँ से थोड़ा तो वो वोकल्स मैंने हितेन को भेजे और नॉर्मली आई मैं ब्रीफ करता हूँ हितेन को ऐसी बीट चाहिए बट इसके लिए कोई ब्रीफ नहीं किया था ये हितेन ने बीट बनाई पहली बार में इट्स ऑल हिज वर्क आई थिंक इसने सिर्फ आधा घंटा लिया एंड ही नेल्ड द बीट और फिर बीच में मैं घुस गया इसके एंड देन व्हेन वी मेड द वीडियो वी रीच्ड आउट टू प्रीति एंड शी वाज काइंड इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड शी डांस्ड ब्रिलियंटली बट आल्सो आई थिंक द बिगेस्ट हीरो ऑफ द वीडियो आर द पीपल ऑफ जोधपुर वो जो लव और उनका वो जो सपोर्ट था अमेजिंग बादशाह जी आई वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग आई नेवर अंडरस्टैंड ऑल द बिगेस्ट सॉन्ग्स ये आधे घंटे में कैसे बन जाते हैं बाकी सब लोग पूरी जिंदगी भर स्ट्रगल कर रहे होते हैं एक नहीं होता है हाउ डज इट हैपन सो फास्ट ये एक्चुअली सच्चाई है राइट इफ इट डजंट कम इन द फर्स्ट गो नहीं आता फिर राइट दोनों तरीके हैं बट आई थिंक वो बहुत नेचुरली निकलता है जो आधे घंटे वाला है ना और वो मन करता है कि जल्दी जल्दी उसको खत्म कर दो एंड देन यू नो यू एज अ लिसनर यू वॉन्ट टू लिसन टू दैट कि ये जब पूरा बन जाएगा मेरा बड़ा मन है सुनने का बट वो आधे घंटे में निकलने के लिए 10-15 साल की मेहनत लगी है और आधे घंटे में मैंने इतना भी देख लिया जो मेरे को कल रात को आपकी घड़ी इतनी कमाल की लग रही थी बादशाह जी आई लव द फैक्ट दैट यू आर अ ब्रांड बेबी आल्सो बट दिस घड़ी देखी बादशाह जी की यू ऑल डिडंट सी द घड़ी रियली आप अभी मैं बता दूं क्या इसका प्राइस टैग क्या होगा बादशाह बट यू लव योर वॉचेस आल्सो Yeah, was that also, there's three shots in the video with your watch also there. Yeah. Was that put into the video also? Itna kharcha kiya dikhani to thi. Kaafi mehengi gadi thi. It's nice. Yeah, we'll go into the price tag of it later. But Sharvi, this is fantastic. You know, he has a great connection. And he is one of the most humble people there is puri industry mein. Kyunki maine dekha hai, main itne inke jo, jinhone, ek baat bataun, main Radio City par mera show chalta hai subhe. 99% log shayad subhe nahi sunte honge, kyunki uthte nahi honge. मैं बता रहा हूं कि इट्स लाइक विदाउट पेइंग मनी बादशाह बाजी ने हमें खरीद लिया है सारे गाने इनके हैं एवरी सिंगल सॉन्ग आई वांट टू गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज यू नो आई हैव नोन हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये आदमी हाफ चटनी में भी गाने को सुपर हिट बना देता है यार जुगनू में आए थे आधे शॉट्स में पाजी और कोई नहीं कर सकता ये सर हम गाना हाफ चटनी में रिकॉर्ड करते हैं बट इट्स फैंटास्टिक और ऐसा इट्स इनक्रेडिबल एंड दैट्स हाउ रिलैक्स्ड यू आर एंड दैट्स हाउ ही गिव्स सो मच ऑफ स्पेस टू द अदर सिंगर्स So tell me about this process और आपका connection कैसा है with बादशाह बाजी? मुझे तो बहुत मज़े आते हैं like I think with him it's a combination of a lot of मस्ती and a lot of work but काम उनके साथ पता नहीं चलता है it's just
lots of play and no work leads to lots of work. Actually, Sharvi को other time पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है. ये भी reason. तो मैं इसको बोलता हूँ कि गाना record करते हैं. तो she doesn't give a fuck कि चल क्या चल रहा है. हो जाते हैं. हाँ मतलब she is like मस्ती अच्छा, मस्ती हाँ, मस्ती में. तो ये pressure नहीं लेती तो I think you know that's but that's why it looks so cool and you're looking also very good also. Hey, thank you, yeah. Thank you so much. But somebody who's taken it all of it away, we have to ask you this. There's you know, Preeti, a lot of people try very hard to look very good when they're dancing, you know? They try really hard. I do too. No, but listen, you have to say, are you a born dancer or is it somebody that you've learnt a lot? Because this is very hardcore and, you know, very aggressive movements also because the song possibly wanted that. I mean, I've definitely been trained as a dancer, but yeah. I should give a lot of credit to Sharvi's singing and the beats. Yeah. Because that's what I'm trying to embody with my expressions and everything. Yeah. And that's what that is. You know, it's definitely so got to do with how long did you take to do this? The track? Like, pick up the steps and all that? Like a day. You took a day? A day. We also, I think we have to give a shout out to Rajat Dev, who's the choreographer of the song. And I was a little annoyed. I was like, you know, where is Preeti? Why isn't she practicing? You know, because when he showed me the steps, I was like, how the... They're hard. And then Rajat was like, oh, she got it like an hour and she was done. I was like, but आपकी भी तो बंदूक ऐसे ऊपर आ गई थी. आपको कितना टाइम लगा उस बंदूक को ऐसे पकड़ने में? सर वो बंदूक ऊपर ऐसे ऐसे करके बंदूक भी तो आ गई थी पाजी. तो सर वो पहले तो उंगली पे घुमाई. अच्छा ये फनी चीज ये है कि वो नहीं मैं बताऊंगा नहीं सीक्रेट नहीं बताऊंगा. नहीं नहीं बता दू. वो तो जो बंदूक थी ना जो इतनी मतलब उसको इनलार्ज किया है क्या? वैसे तो बड़ी दिख रही थी. हाँ नहीं वो अच्छा प्रैक्टिस के टाइम छोटी थी. अच्छा और फिर उसको हमने घुमाया उंगली पे. अच्छा आर वी स्टिल टॉकिंग अबाउट बंदूक? यस ऑफ कोर्स. तो फिर जो हम घुमा रहे थे तो वो पूरा वैसलीन वगैरह लगाना पड़ा यू नो बिकॉज ये जो वीडियो में हमने बंदूक देखा है उसकी बात चल रही है. यस ऑफ कोर्स. तो ऐसे ऐसे जो एक्शन था यू नो तो ऐसे घूम रही थी और वो घूम तो गई बट फिर प्रैक्टिस के टाइम तो हो गया अच्छे तरह से एंड फिर जब निकाला तो तो उंगली मोटी हो गई उसके बाद. उंगली सूज गई बहुत ज्यादा एंड देन उसके बाद व्हेन वी ट्राइड इट डिडंट हैपन. तो फिर जुगाड़ लगाया तो बंदूक तो घुमानी थी तो घुमा दी. वो लगाया कैसे वो नहीं मैं बता सकता. There's so much I want to know that is written between the lines that you're not saying. No, Preeti, no. We're talking about the fact that he was trying to do the movement with the gun and it didn't happen and then he eventually did something else which what we see in the video right now. That's what I was asking. How do you get that? I don't think she wants to know. Okay. Now, since we've spoken so much about the track, listen, Geet, where are you? We've got a few people here who've been where. There she is. Listen, I want you to give a round of applause to her, Geet. She is dynamite. इन्होंने एक दिन में गाना सीख लिया है एंड आई वांट हर टू कम ऑन स्टेज यू नो बिफोर शी कम्स ऑन स्टेज आई वांट टू लेट हर नो आप स्टेज पे आके भी कि आई एम अ ह्यूज फैन गीत और आप अभी देखने वाले हो कि क्या धमाकेदार है ये. हम ये छोटे मोटे स्टार हैं अभी बहुत बड़ा स्टार स्टेज पे आने वाला है. बट देयर इज आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट. एवरीवन ऑफ यू हैज टू मूव विद इट. Yes, yes, yes. Why? Everyone has to move. Yes. We'll move. No. Move with them. Geet, come on stage. Can we have some more dancing people? Practice. Can we move the chairs at the back? Chairs, le jao. So, ye, Geet, aap batao mujhe, aapne sabko choreography sikha di hai? She took 5 minutes, right? Yes. Okay, girls, come. All these, give big round of applause, guys. You're gonna have to take center stage. No, you. One second. Basha, you all have to stand in the middle, not on the side. So I have an idea. First. No, there's no idea. Paji, you have to dance. Achha, no, I will. Na. So the first, Geet and Preeti should do it, I think. Achha. And then Geet and Preeti should teach us how to do the dance step. Achha. And we'll randomly pick 3-5 people. Achha, so but main akela bevkoof na lagun. To 4-5 aur log jhund mein bevkoof lagenge. Ye bhi, this is also randomly picked only. I have picked these random people. No, but inko dekh ke lag raha hai ye faadne wale hain stage pe. Nahi, sir. They're gonna kill it. Nahi? Chal, koi to faadega. Let me ask Preeti also. And Geet, hai na? If Bacha should dance or not? Oh, no, he will. I will later. You know, pehle. But he wants a little bit of an appetizer with Geet and you doing a step. Pehle let them feed good food. Then... Then garbage dessert. So should we start with this? ऐसे करें क्या full course आज? ठीक है come. Round of applause for Geet. चलो everybody. Preeti, come.
I'll hold the mic. I will try to match your energy. Okay, and I'm going to play that 30 seconds. Can you play that 30 seconds for me? Yeah, yeah. Yeah, yeah, मतलब तेरे फोन से उधर पीछे से प्ले करना है. अच्छा, सही है भाई. 30 seconds. Okay. Why don't you all join in? And Basha Baji, now you pick your random people and you have to also join in. Aye, aye, sir. अरे वो इतना सही कर रही थी. एक बार. One. अच्छा, we should come. One. Girls, come. नहीं. आ जाओ. Everybody. Basha Baji, आप बीच में. अच्छा. हाँ, आप मेरी तरह बन रहे हो जैसे birthday party में जो होते हैं ना, जिनको birthday celebrate अपना नहीं करना होता है. अच्छा, पांच तो ये हो गए. ये तो तोड़ू डांसर लग रहे हैं. मुझे मेरे जैसे तोड़ू डांसर चाहिए. आप आ जाओ. आ जाओ यार. आ जाओ. Let's chill. Oh, well done. Let's do this. Let's oh, go. he's played the good game today. You come. Aaja. Haan, bhai. Achha, this side on the left. Haan. Tu to dance kar lega. Aaja. You come on stage. Aaja. Come. You also come. Aaja. Careful. Dekhiye. Haan. Oh, chota badsha kaun hai? यार तू डांस कर लेगा ना बादशाह छोटा तो नहीं लगता बीट बॉक्सिंग बेटा बाद में आ जा आज एक टैलेंट दिखा रहे हम तुम्हारा हां आ जाओ नो नाउ यू हैव टू डांस लो गो करते एक्सेलेंट बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन बीइंग सो स्पोर्टिंग यार अरे तू तो सोनू सर के साथ भी था ना हां नाइस आई सॉ दैट ओके गाइस इन द मिडिल लिसन दिस इज नॉट अ वो जो स्कूल फोटोग्राफ नहीं है ना दिस इज नॉट हाइट ऑर्डर एंड ऑल एवरीवन कम टुगेदर गाइस कम इन फ्रंट प्रीति यू कम इन द सेंटर I still want to make Basha, Preeti and Sharvi as the center of the song. Ha, center. Guys, come in the middle. Chota Basha, peeche Basha ke peeche chota Basha peeche aayega na? Come one. I really feel like a principal today. Excellent. Okay, ready? Thumbs up, everybody. Ready? Hiten, aapne banaya. You also have to. You were watching the song 24/7. Aap saath rehearsal kisi ne nahi ki hai. Ready, everybody? Taliya. अच्छा सिखा रहे हो क्या वन अच्छा आई गिव यू द माइक वन अभी जो लेफ्ट वाला हैंड है वो ऐसे जाएगा और जो राइट वाला है वो नीचे आएगा और फिर ये ऐसे जाएगा फिर उसके बाद ये ऐसे होगा लेफ्ट साइड से टर्न होगा फिर ये इधर आएगा और फिर बस फिर बस हो गया यू वॉन्टेड द ऑडिशन ओके रेडी सामने मिरर नहीं है सामने सिर्फ कैमराज है वंस मोर ऐसे जाएगा लेफ्ट वाला वेव करेगा और जो राइट वाला है वो नीचे आ गया वंस टू आई लव यू थैंक यू फॉर कमिंग ऑन स्टेज सर विद द ब्लू शर्ट I love him. Okay, ready? आप भी आ गए सर यू आर लेट एंट्री क्या अच्छा नो प्रॉब्लम डन
मेरे को सर सिर्फ यही है, इशू बोए बाद क्या बात है, मेरे को इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ी। एक बात बताओ, वैसे आपने इशू बॉय बादशाह स्टार्ट कहाँ से किया था, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये तो किसी ने किसी ने स्टार्ट करके दिया था। ये मैं उसमें था, बूथ में था, रिकॉर्ड कर रहा था। हाँ। और गाने पे ऐसे ही निकल गया इशू बॉय बादशाह। तो जो वो रिकॉर्डिस्ट थे ना, उनका नाम था भरत, दिल्ली में थे। कहते सर ये बहुत बढ़िया लग रहा है, तो तब से मैंने कहा कि अच्छा बढ़िया तो लग रहा है, एंड देन इट स्टक। ये तकिया कलाम बन गया आपका। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग ऑन स्टेज, इट्स रियली बीन फैंटास्टिक बेटा। We'll beatbox a little later. I promise you. Thank you. There'll be many more auditions. Or be reality show. 100%. Yeah. Sure. बेटा नाम क्या है आपका? अलादीन आपका नाम है। I love it. अलादीन wants to beatbox. तो इस ऐसे से बीट बजाओगे जो ये गाने में बज रही है? नहीं, मैं ट्राई। हाँ, अच्छा ये ले, ये चेक। हेलो, फेस एंड गो। उन्हें बकवास करने दो जो बकवास करते हैं, खाली बर्तन भी ज्यादा आवाज करते हैं। मैं नोट गिनता हूँ वो हाथ पलते हैं, खेलोगे जो आग से तो हाथ जलते हैं। कामयाबी और जलन साथ साथ चलते हैं, तभी लोग यहाँ लेकर हथियार चलते हैं। लेकिन मैं उनमें से नहीं, क्योंकि जिनका दिमाग चलता है उनके हाथ नहीं चलते। थैंक यू सो मच। कैन यू मेक सम नॉइस फॉर अलादीन? Because I'm the genie. Thank you, bro. Love it. Well done, Aladdin. God bless you. बहुत बढ़िया बेटा. Well done. Thank you. लेकिन तू BPM क्यों बढ़ा रहा था? मैं तो तेज कर रहा था, मेरे को भी तेज होना पड़ रहा था. हाँ, थोड़ा. सब बढ़िया लगा. नहीं, don't worry. तू मेरे साथ आ जा डालिंग. You are brilliant over there. Well done. बहुत ही बढ़िया. तालियाँ for everyone that came on stage. Stay. I've got something that we want to give you, Basha Baji. Mikhail, come on stage. ये artist ने ओमकार एंड मिखाइल हैव मेड दिस फैंटास्टिक पीस ऑफ आर्ट जो मैं आप सबके सामने रिवील करना चाहता हूं। शैटर ग्लास इसे बोलते हैं। सो जस्ट हैव अ लुक एट दैट, दैट्स स्पेशली फॉर बादशाह बाजी। ब्रो, आई स्वेयर आई फील लाइक आई एम द लीस्ट टैलेंटेड गाय ऑन द स्टेज राइट नाउ। सो मच टैलेंट, दिस इज अमेजिंग सर। थैंक यू सो मच, दिस इज ब्यूटिफुल। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू मेक दिस? Precise, it took around 6 to 7 hours. Wow. And I tried making it one before, but I had to scrap off because in this artistry, you don't have error. You do an error, you have to scrap off the glass and start again. So that's normally how many attempts do you take if you want to make a portrait? Like sometimes it just takes one. Yeah, and sometimes glass, you cannot control the crack of the glass, right? So how do you do that? मतलब आपको कितना बताइए? ये glass basically टूटा हुआ है, right? Yeah. I have shattered with a hammer. तो कितना तोड़ना है ये कैसे पता? ये मालूम नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स ऑन द रिदम, राइट? यू ब्रेक द रिदम, यू लूज आउट एवरीथिंग। सो इट इज हार्ट बीट, योर हैंड कॉन्सेंट्रेशन, एंड यू हैव टू जस्ट गो ऑन और एल्स यू लूज आउट। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। देयर इज अ लॉट,
extreme talent on stage, and that's the reason why I'm standing on the side over here only. Don't come there also. Thank you so much, guys, for coming here. Really, really wonderful. Thank you. Thank you, Omkar. Thank you, Mikhail. Thank you. We're going to keep this on the side safely only. Can you just help them just take this on the side? Yeah. ये टूट जाएगा सेकंड ऐसे भी नहीं बोल सकते कि टूट जाएगा तो टूटा ही डन मेरे काफी सारे सवाल हो गए यू नो आई एम श्योर दैट पीपल वांट टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रेस आल्सो बट जस्ट बिफोर आई जंप इन अ लिटिल बिट मोर लॉट्स ऑफ स्पेशल मेमोरीज ऑलवेज विद अ ट्रैक होते हैं एंड यू नो बादशाहबाजी यू हैव जस्ट बीन रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ मैं कल ही बात कर रहा था उनसे कोविड से लेकर अब तक जितना रीइन्वेंशन मैंने एज एन आर्टिस्ट इन बादशाह देखा है और किसी आर्टिस्ट में नहीं देखा है लॉट ऑफ आर्टिस्ट हैव हैड हिट्स बट आपका रीइन्वेंशन हैज बीन फैंटास्टिक कैसे हो रहा है आई मीन देयर इज अ न्यू बादशाह कमिंग एवरी सिंगल टाइम एवरी सिंगल वीक एवरी सिंगल मंथ हाउ सर मैं मैंने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया आई मीन हाउ डू आई टेल इट नहीं पर कोई इन्फ्लुएंसेस हो रही हैं हाउ यू जस्ट सडनली कमिंग आउट विद डिफरेंट स्टफ ऑल द टाइम देयर वाज एन अमेजिंग कोलैबोरेशन विद अरिजीत वाला कोलैबोरेशन सुना आप लोगों ने इट्स फैंटास्टिक यू नो एंड इट्स आर्टिस्ट लाइक इंडियन आर्टिस्ट आर टेकिंग ओवर द ग्लोब यार एंड यू गॉट अ ह्यूज फॉलोइंग मैन इट्स फैंटास्टिक सर आई थिंक कैसे इसका तो कोई जवाब ही नहीं है बहुत बहुत मेहनत करते हैं और बहुत आई थिंक सबसे बड़ी चीज तो ब्लेसिंग है अगर ब्लेसिंग है तो ही है नहीं मेरे पास कोई जवाब आई थिंक इट्स द ब्लेसिंग ऑफ गॉड उसकी नज़र है तो सब ठीक है उसकी नज़र नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है मुझे ऐसा लगता है यू आर हिज गिफ्टेड चाइल्ड आई लव दैट नाउ आई एम गोना ओपन आउट टू द प्रेस प्लीज जो भी सवाल करना चाहते हैं प्लीज गो राइट अहेड एंड ऑल ऑफ देम आर गोना बी ऑन स्टेज सो वी विल हैव द माइक्स आर आउट व्हिच विल पास अराउंड जस्ट रेज योर हैंड्स एंड देन वी विल गो या हेलो मैम वन सेकंड मैम आई विल जस्ट गिव यू द माइक सो दैट वी कैन ऑल हियर One sec. इनका माइक ऑन कर दो बाबा जस्ट चेक दैट बट कोई नहीं आ रही है मुझे आवाज नहीं बट फिर वो बाकी को नहीं ओके हां हेलो यस बेटर हाय बादशाह आई एम डॉक्टर प्रियंका माथुर फ्रॉम इंडियन फिल्म हिस्ट्री डॉट कॉम जी आई एम ऑल्सो क्लासिकल वोकलिस्ट आई वॉन्टेड टू आस्क यू सिंस यू हैव बीन वेरी मच एसोसिएटेड विद वेरी फास्ट बीट्स कभी आपको क्यूरियोसिटी हुई है क्लासिकल म्यूजिक के साथ कुछ कोलैबोरेशन करने की मैम म्यूजिक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक म्यूजिक ही है और आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉब्ली मेड सम नेम फॉर माई सेल्फ डजंट मीन आई एम नॉट द स्टूडेंट ऑफ द गेम आई कीप लर्निंग एंड आई द अदर डे आई टेल यू अ फनी इंसिडेंट्स विच इज आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम जजिंग ऑन दिस शो कॉल्ड इंडियन आइडल एंड मेरे साथ श्रेया मैम थे और विशाल सर थे एंड एक स्नेहा शंकर करके सिंगर है शी इज ब्रिलियंट क्लासिकली ट्रेंड राम शंकर जी की बेटी है वो एंड वो ठुमरी गा रही थी एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट उसी दिन मुझे पता चला उसको ठुमरी कहते मुझे पता भी नहीं था और जो वो आई और उन्होंने शुरू किया और मैंने श्रेया मैम को बोला मैम ये फिर वैसे ही यू नो एंड विद इन 50 सेकेंड्स आई वॉज क्राइंग आई वॉज इन टीयर्स इट वॉज लाइक कैथरसिस फॉर मी एंड आई सॉ श्रेया मैम वॉज क्राइंग एंड आई टोल्ड श्रेया मैम मैं कह मैम मुझे समझ भी नहीं है फिर भी मुझे रोना रहा है सो आई डोंट थिंक यू नीड टू learn music I just think you need to feel it and understand and I love all sorts of music wo fir chahe classical ho chahe non classical ho koi bhi language it hits you it's good music would you like to collaborate with any classical musician if got a chance of course I would love to folk classical and I love but jab mujh pe aashirwad hoga tabhi probably you are already blessed thank you ma'am thank you so much हेलो वो माइक दोबारा बंद हो गया वो जानबूझ के बंद कर रहे हैं लगता वापस जस्ट बटन ऑन कर दो ना हाय योर दिस हेलो हाय दिस इज आस्था फ्रॉम ऑसम टीवी आई हैव टू से दैट द सॉन्ग लुक्स फिनोमिनल टू मी थैंक यू वन थिंग आई हैव टू आस्क द टीम व्हाट्स द बेस्ट मोमेंट ऑफ मोरनी एंड हाउ वाज द कोलैबोरेशन विद सारेगामा म्यूजिक माइक ओके टू बी ऑनेस्ट दिस आई एम न्यू टू बॉलीवुड So I had a lot of preconceived. This is not Bollywood, Preeti. This is non-film music. But yeah, okay. no. Okay. But you are both, Hindi. You are both. So that's why that bit. I'm new to the Hindi audience, and I was quite intimidated. You know, you hear so many things about how the standards here are really high, and
I was very pleasantly surprised when I came on set and I sensed this really warm vibe from everybody here. I didn't know what to expect of Bacha. She was live wire. She was extremely friendly. Bacha was extremely warm. And the whole experience, to be honest, was just very encouraging and really, really, really great for me. Yeah, I wouldn't forget it. And also, thank you so much to Sarigama for this opportunity. It is a huge deal for me to get to work with such iconic artists on such a powerful song as well. So, yeah. So you'd like to work here more, right? I would love to. Amazing. Yeah. No, I think Saregama has, you know, I think as a label and as a company, bahut tagde tarike se established kiya. I think they're killing it. I think brilliant people to work with, great team, great energy. You know, agar aapko kaam karna hai, matlab, maine ek cheez seekhi thi, you know, work with people who make your life miserable. Who are more hungry than you are. And I think they're damn sure, like they're extremely hungry. And maidan mein utre hain, probably to prove a point, and I think they're proving it again and again. Yeah, but a great team to work with, and it was great, yaar, mahal. But main aapko batata hoon, jo Jodhpur mein jahan humne shoot kiya, wahan ke jo log hai na, it's a memory for a lifetime. I think jis tarah se wo aapko treat karte hain, jis tarah se wo aapko protect karte hain. Like they just, you know, they feel like, ki apna video shoot ho raha hai. That's how they felt. And that's why, you know, they are in the video. You know, and at the end of the video, wo unhone mujhe pagdi wagera pehnai. It's like, you know, they accept you, which was the best memory for me. Yeah. Yeah. Kya? Haan. Haan, bilkul. Absolutely. Main bhi piche se ancestors Rajasthan se. Cool. You can pass that mic. Anybody else? Hello, hello. Hello. Hello, sir. This is Vinay. Hi, Vinay. काफी अच्छा लगा आपका गाना. थैंक यू यार. बादशाह भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि ये वाला जो आपका गाना है, आप अपनी म्यूजिक कैसे सिलेक्ट करते हो? क्योंकि आपका जो पहले का जो भी गाना रहता है, उसमें का बस लोगों में एक्साइटमेंट पहले ही बरकरार रहती है. वो बरकरार रहने के बाद आप नया सरप्राइज लेके आ जाते हो लोगों के बीच, और वही बस आगे भी बना रहा है. उस चीज को कैसे ध्यान में रख के आगे म्यूजिक सिलेक्ट करते हो आप? विनय, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मेरी इतनी फटती है ना हर गाने से पहले, मुझे ऐसा लगता है कोई नहीं सुनेगा. मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं इतना डरता हूँ कि कोई सुनेगा, और सुनेगा तो क्या लगेगा. तो वो बस जो है, मुझे नहीं पता कैसे होता है, एंड जैसे भी होता है वो रहे. मैं ना मुझे जानना है, ना मुझे कुछ करना है. बट म्यूज़िक वो लाने की कोशिश करते हैं, एंड स्पेशली मोर देन एवर. 10 साल में यही सीखा है कि जनता आपको प्यार करती है, इसका मतलब वो किसी रीज़न की वजह से प्यार करती है. वो इसलिए प्यार करती है कि आप जनता को वो नहीं दे रहे जो उनको चाहिए, आप वो कर रहे हो जो आपका मन करता है, जो आप अपने सच्चे दिल से करते हो. सो आई थिंक पिछले 10 साल में मैंने यही सीखा है कि इफ़ आई कीप डूइंग व्हाट आई रियली लव एंड बी ऑनेस्ट विद माय म्यूज़िक, यू नो, वो चाहे कैसा भी हो, स्लो हो, फास्ट हो. अब अरिजीत सर के साथ मैंने गाना किया था, मुझे नहीं पता था कि क्या, मतलब कहेंगे अरे अरिजीत के साथ क्यों है या क्या होगा. बट यू नो, इफ़ यू मेक म्यूज़िक ऑनेस्टली अपने दिल से, वो अच्छा लगेगा ही लगेगा. आज नहीं तो कल लगेगा, कल नहीं लगेगा परसों लगेगा. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी आर्टिस्ट शुड एस्पायर फॉर. तो मैं तो वही सोचता हूँ. बादशाह भाई की आपकी जो फटने वाली फीलिंग ना, हमें भी ऐसे चाहिए हर गाने से पहले, बिकॉज एवरी सिंगल सॉन्ग सीम्स टू बिकम अ सुपर हिट. दिस इज लाइक अ गुड ओमन ओनली, आई होप सो. बहुत कॉन्फिडेंट फील कर जाओगे, उसको रिलीज मत करना कभी. नहीं भाई, मेरे को मेरे पैंट ढीली इसलिए पहने, मेरी टांगे कांपती है तो दिखे ना. राइट, डन. तो क्या बादशाह पाजी भी पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट से इफेक्ट करते हैं? नहीं, वो अब तो इतना पता चल जाता है कि किसका जेन्युइन नेगेटिव कमेंट है या किसको मजे के लिए कर रहा है. मतलब कईयों की तो, वो कहते हैं राम जी भी नहीं हर किसी को खुश कर पाए. तो मैं तो एक सिंगर हूँ छोटा सा, बट आई थिंक क्रिएटिव जो क्या कहते हैं, कौन सा फीडबैक होता है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज ऑलवेज इनवाइटेड. हाँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज इनवाइटेड. हाय बादशाह सर. हाय सर. सर, इज अर्थेश फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन. हां जी. तो बादशाह जी, जो आप बॉलीवुड हैज अ हेल्पलाइन,
Of course. Right now, so they need it for sure. तो सर मेरा सवाल ये है कि मोरनी गाना जो आपने ये भी पिक किया है, तो एक आइकॉनिक सॉन्ग रह चुका है जिसमें श्रीदेवी उसका पार्ट थी. सो व्हाट मेड यू टू लाइक, आपने क्यों पिक किया इस गाने को? सर ये अच्छा सॉरी हाँ जी नहीं आप अब बताइए फिर मैम. सर ये मेरी फेवरेट फिल्म है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म्स लम्हे. एंड दिस आई माय एंसेस्टर्स डू कम फ्रॉम राजस्थान एंड दिस सॉन्ग रेजोनेट्स अ लॉट विद मी. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स एंड आई थिंक सारेगामा वाज काइंड इनफ. आई थिंक चोपड़ा सर, आदित्य चोपड़ा सर, कौन किनका है प्रोडक्शन हाउस लम्हे वाला? हां यस यस सर. वायरफ वाज काइंड इनफ टू यू नो प्ले अराउंड विद इट. सो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि इस गाने के साथ मैं कुछ भी कर पाऊँ. हालांकि ये लोक संगीत है, हालांकि इट्स अ फोक सॉन्ग, बट स्टिल सबकी यादों में उस फिल्म की वजह से ही है गाना. एंड बाकी दूसरा सवाल आप सबसे है कि ऐसी कोई मेमोरीज है एज अ फैन या फिर कोई भी जो श्रीदेवी से आप एसोसिएट करते हो, उनको याद करते हो? सबसे एनी मेमोरीज, आई मीन वी यू कैन स्किप दैट इफ यू वांट, इट्स अबाउट एनी मेमोरीज विद श्रीदेवी बिकॉज़ द ओरिजिनल. या दैट शार्वी हु इज फ्रॉम दैट मूवी मिस्टर इंडिया वेयर शी इज वेयरिंग लॉट्स ऑफ फ्रूट्स. Yeah. And that dance sequence. Gen Z spotted. Gen Z spotted. Yeah, that one. अभी अभी आपने जो गाना शुरू कर दिया, actually we haven't had Sharvi sing. Should we have her sing the song? Okay, but sing along, okay? नहीं, वहाँ से अंतरे से शुरू करियो. मैं तो लाज के मारे हो गई पानी पानी, सब लोगों ने सुन ली मेरी प्रेम कहानी, मुंह से बात निकल गई है रात माँ भालू मात माँ, घनन घन गोलियां घनन घन गोलियां हैं चल गई देख रात माँ, गोलियां हैं चल गई रात माँ, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ मोरनी. ओके वन मोर टाइम. मोरनी बागा माँ बागा माँ बोले आधी रात माँ. थैंक यू फॉर बीइंग सो स्पॉटिंग, आई पुट यू ऑन अ स्पॉट देयर, वंडरफुल. यस पाजी. हाँ जी फरमाइश. ढाकूरी सारे गांव खड़े हाँ, बिकॉज इन्होंने एक्चुअली एक और गाना भी एक साथ किया है ना, वी नॉट डू दैट. फरमाइश है, करोगे? कौन सा आपके इसका? कुछ नहीं, इसमें वो लाइन लिखी है थोड़ा शायरी टाइप है, आके खड़ा हो जो अपने बराबर, हर बंदे की औकात नहीं है, अब कोई बढ़िया सा दुश्मन चाहिए इनके बस की बात नहीं है. हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू. आजकल बादशाह बाजी का ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा चल रहा है, दुश्मन खड़े होते जा रहे हैं. इट्स लाइक वी विल मूव अहेड. आर वी डन? नो वन क्वेश्चन. व्हिच वन? वेयर जस्ट लास्ट. ओह यस 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 प्लीज. हेलो बादशाह, आई एम अंजुलिका फ्रॉम आईबीबी क्रॉनिकल्स. हाँ जी. एंड मैं आपके सैटरडे सैटरडे सॉन्ग का बहुत बड़ा फैन हूँ. लाइक पंखा नहीं हूँ, एसी हूँ. ओह माय गॉड, थैंक यू. सो यू हैव मेड सैटरडे सैटरडे अ पार्टी एंथम. जी. क्या आपको लगता है मोरनी आपका पिकनिक एंथम बनेगा? आय हाय हाय. ये आपने बोल दिया, बना दिया पिकनिक एंथम. बिल्कुल बन इसको जाएगा. ऐसे ही प्रमोट करते हैं ना पिकनिक आजकल, लेकिन पिकनिक पे जाते ही नहीं है कोई. जाते हैं क्यों नहीं, बिल्कुल जाते हैं. आई थिंक चलो पिकनिक भी प्रमोट हो जाएगी इससे. बिल्कुल हो जाएगी. द लॉन्ग ड्राइव एंड पिकनिक एंड ऑल लॉट ऑफ थिंग्स कैन गेट प्रमोटेड. आई थिंक लॉन्ग ड्राइव एंड पिकनिक एंथम. सो लेट अस मेक मोरनी एज अ पिकनिक एंथम देन. थैंक यू सो मच मैम. ऑफिशियली अनाउंस इट. थैंक यू. वो कहते हैं तथास्तु. That's my favorite part too. Thank you. Thank you guys. Okay, we'll do some pictures as well, and after that we'll. पूछने? You want to ask something, बेटा? Oh please, आज star तो आप हुए हो आज. भाई. Well done. पता नहीं क्या पूछे. Happy birthday sir. मुझे आपसे पूछना था कि आप अपने fans को क्या gift दोगे? 19 तारीख को 19th is बादशाह बाजी's birthday. बच्चे. एक मिनट पहले गा लेते हैं बादशाह बाजी के लिए advance birthday wishes. Okay? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, बादशाह बाजी. Happy birthday to you. Thank you. No gift and no cake, but ठीक है. कोशिश करी. तालियां एवरीबॉडी. वेरी नाइस. थैंक यू. और आपको गिफ्ट चाहिए?
मेरा बर्थडे बच्चे पहले 19th को है और बर्थडे मेरा है तो गिफ्ट आप मुझे दोगे ना? आप दिया तो आज क्या गिफ्ट दो? मैंने दिया तो इतना बढ़िया गाना, इतने पैसे खर्च दिए मैंने बट दूंगा कुछ आपको, कुछ स्पेशल दूंगा, ठीक है? आपको एक ड्रेस देंगे हम बहुत प्यारी सी, डन? ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो सपोर्टिंग मी, राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, वी जस्ट टेक सम पिक्चर्स, मैं माइक ले लेता हूं, आई विल जस्ट टेक